Good morning, students. Our today's chapter is cell structure and functions. Okay, now we are going to discuss about our chapter 8, that is cell structure and functions. यहाँ पे आपको कुछ hard words दिए हुए तो ये आपको learn करने हैं. Now next we have is cell. ठीक है, तो जो cell है वो होती क्या है? Cell अपनी body की मतलब building blocks of life, नहीं life की क्या है? Building blocks हैं. And प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिल्ट अप ऑफ सेल्स स्टक टुगेदर. और ये जो सेल्स होती है वो एक दूसरे के साथ में स्टक होके और क्या बनाते हैं, ये प्लांट एंड एनिमल्स बनाते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे किससे बने हुए हैं? सेल्स से. और जो सेल्स हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो जो सेल है वो क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. नाउ द माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो अगर अपने को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, किसी सेल की अगर अपने को स्टडी करनी हो तो अपने को माइक्रोस्कोप को यूज करना होता है. ठीक है, और ये क्या करती है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स. ठीक है, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर होती है किसी भी लिविंग थिंग्स की. नाउ इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ द सेल. जो सेल्स हैं फर्स्ट कहाँ डिस्कवर, किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक के द्वारा इसको डिस्कवर किया था इन 1665 वाइल वर्किंग विद कॉक्स. ठीक है, जब ये कॉक्स सेल पे वर्क कर रहे थे. नाउ सेल नंबर्स. ठीक है, तो नंबर्स के बेसिस पे जो सेल है वो टू टाइप्स की होती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किससे बने हुए होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, उन एनिमल्स को अपन क्या कहेंगे, या फिर उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? सिंगल सेल एनिमल्स लाइक बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामेशियम एटसेट्रा. इसी टाइप से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, सो नाउ लाइक डॉग, कैट. ठीक है, तो इनमें क्या है? ह्यूमन बींग्स. इनमें क्या है? एक से ज्यादा सेल्स होती है इसमें. ठीक है, बिलियंस ऑफ सेल्स होती है. इसी टाइप से जो सेल की साइज है, ठीक है, वो कुछ सेंटीमीटर्स की या फिर कुछ माइक्रोन्स की, कुछ माइक्रोन से कुछ सेंटीमीटर की हो सकती है. ठीक है, नाउ जो लार्जेस्ट सेल है वो किसकी है? ऑस्ट्रिच के एग की. और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 170 mm × 135 mm. ठीक है, और शेल की जो शेप है, सेल आर डाइवर्स शेप. ठीक है, इसकी कोई शेप जो है वो फिक्स नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में जो सेल है अपने को मिलती है. ठीक है, एंड नाउ सेल जनरली में भी ये राउंड भी हो सकती है, स्पिंडल भी हो सकती है. ठीक है, इरेगुलर शेप होती है, जैसे अमीबा है वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है. नेक्स्ट वी हैव सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. नेक्स्ट अपने पास क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. द सेल हैज थ्री मेन पार्ट्स. जो सेल है उसके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं. नाउ द सेल मेम्ब्रेन. द सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है, जो स्मॉलर कंपोनेंट्स जिसमें और जो स्मॉलर कंपोनेंट्स और स्मॉलर ऑर्गेनेल्स सब उसमें इंक्लूड होते हैं या फिर उसमें कंटेन होते हैं. और एक अपना क्या हो गया? न्यूक्लियस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है सेल का वो कौन सा हो गया? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट होता है सेल का. ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो है उसको मतलब उससे इनक्लोज रहता है, उसको कवर करके रखता है. ठीक है, और आउटर थिक लेयर इन सेल्स. और इसके बाहर भी, ठीक है, इस टाइप से सेल होती है, सारे ऑर्गेनेल्स इसमें होते हैं. तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है. बट जो प्लांट्स होते हैं उसमें इससे भी ज्यादा मतलब थिक पार्ट होता है, वो क्या होती है? सेल वॉल. ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में क्या है? साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो देखो ये जो अपने पास में मतलब ये जो अपने पास में इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनको अपन
डायग्राम्स अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लाइक इसके ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, गॉल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम्स, ये सारे इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नाउ इसी टाइप से जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो मतलब सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिससे कवर होता है वो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसी टाइप से न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस तो ये हो ही गया, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस में क्या होता है कि इस टाइप से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये न्यूक्लियस होता है, इसमें इस टाइप से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये सेल हो गई, ठीक है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या होती है, इनको अपन क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जो जीन्स होती हैं उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। नाउ सेल विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, तो मतलब सेल विदाउट वेल ऑर्गेनी मतलब ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ऐसे सेल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है, मतलब ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं होता है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इस टाइप के जो सेल है उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, ओके। नाउ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन अपन ने देखा ये बाहर का मतलब कवर होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी एक थिक पार्ट से कवर रहती है, किसमें, प्लांट सेल्स में। तो वो जो पार्ट होता है उसको सेल वॉल कहेंगे, ओके। कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल, ठीक है। और जो इनकी जो बॉडी कवर होती है वो उसको अपन प्लास्टिड्स कहते हैं, और ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, ठीक है। जो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं उसमें क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, ठीक है, जिसको ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल हैज ए बिग कंट्रोल वैक्यूल अनलाइक ए नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है। तो जो प्लांट सेल होती हैं उसमें वैक्यूल्स है वो बड़े होते हैं, और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। नाउ अ चैप्टर इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट वी हैव इज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो अपने क्या है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ क्वेश्चन आंसर मतलब टिक द करेक्ट आपने सबसे पहले, तो टिक द करेक्ट तो आपको मतलब आप कर लोगे लर्न, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो व्हाट आर टिश्यूज, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि जो टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इज वॉट आर स्यूडोपोडिया, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या बताओगे, स्यूडोपोडिया है वो क्या होते हैं, तो उनकी वो एक्सप्लेन करना, उनको डिफाइन करना है। नाउ राइट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। तो जो सेल है उसके बेसिक कंपोनेंट्स वो कौन कौन से होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज नेम द कंट्रोल सेंट्रिक ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेंट्रिक ऑफ द सेल कौन सा है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंट्रिक ऑफ सेल, कौन है, न्यूक्लियस। नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनेल, ठीक है। तो ऑर्गन एंड ऑर्गेनेल में डिफरेंस क्या है। नाउ व्हाट आर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब अपन ने देखा था कि जो सेल है वो टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाई वी से सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ,
हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि जो सेल्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल्स हैं, ठीक है? सो ये आपको मतलब बताना है, ठीक है? इसका रीजन आपको देना है डाउन, राइट? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टाइप्स हैं किस बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल, ठीक है? तो इसमें अपन ने देखा था एक यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है? नाउ राइट डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एनिमल्स। अब आपको क्या करना है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस बताना है। जिसमें अपन ने देखा था यूनि का मीन क्या हो गया, वन, तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हो गए, एंड मल्टी का हो गया बहुत सारे, तो इसमें बहुत सारे सेल्स वाले एनिमल्स इसमें हो गए। नाउ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, ठीक है? और आपको क्या करना है, जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करनी है। इसी टाइप से राइट द फंक्शन ऑफ ए सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है वो कौन कौन से फंक्शंस करती है, क्या करती है प्लांट में, ठीक है? तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ सेल्स। तो जो सेल के पार्ट्स हैं, स्पेशली अपन ने 3 पार्ट्स अपन ने देखे थे, उनके अपने को क्या बताने हैं, पार्ट्स आपको बताना है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव इज राइट ए नॉट ऑन द शेप्स ऑफ सेल्स। तो सेल के जो शेप्स होते हैं उन पे आपको नॉट लिखना है। ड्रॉ ऑन आउटलाइन डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल, जो एनिमल सेल है उसका आपको आउटलाइन डायग्राम बनाना है। लेबल द डिफरेंट पार्ट्स, और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स है आपको वो भी शो करने हैं। हाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल टू प्लेस एक्सप्लेन, डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई आपको ये बताना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं, और वन जो अमीबा है उसमें वन सेल होते हैं, यूनिसेलुलर हो गया। और जो बेसिक कंपोनेंट्स है सेल मेम्ब्रेन के वो कौन कौन से हो गए, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। इसी टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक पोरस है, ठीक है? मीन्स उसमें छिद्र होते हैं वो, और वो क्या करती है, जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनको एलो करती है कि वो यहाँ से अंदर और बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर, साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, ऑर्गेनेल्स। नाउ इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास क्या हो गए, ट्रूफोल्स, और लास्ट अपने पास क्या हो गए, मैच द कॉलम, ठीक है? देन ट्रू फॉल्स, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर टाइप ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें सिमिलर टाइप की सेल होती है, सो इट इज फॉल्स, क्योंकि सिमिलर नहीं होती। यूनिसेलुलर एनिमल्स हैव टू न्यूक्लियस इन द सेल, यूनिसेलुलर एनिमल्स जो है उनमें टू न्यूक्लियस होता है, इट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ सेल्स, जो ऑर्गन्स हैं वो क्या बनाते हैं, वेराइटी ऑफ सोल्स, मतलब ऑर्गन्स में क्या होती है, वेराइटी ऑफ सोल्स, काफी सारी वेराइटीज के सेल्स होते हैं, सो इट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल्स, अमीबा जो है वो क्या, एक यूनिसेलुलर एनिमल है, सो इट इज ऑल्सो ट्रू। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि अपन जानते हैं कि जो टिश्यू होता है उसमें काफी सारी सेल्स, सेल्स का ये ग्रुप होता है। ओके, इसी टाइप से रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी की थी। नाउ सेल जो है वो ब्रांच एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सेल, ठीक है? तो सेल क्या हो गई, हॉलो स्पेस, ठीक है? नेक्स्ट वे स्मूथ मसल सेल्स, ये क्या हो जाएंगे, स्पिंडल शाफ्ट, अमीबा, स्यूडोपोडिया इसमें होते हैं, ठीक है? और लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच के एग की हो गई। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज ऑल्सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ आई होप अब आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू।